सकते हैं, सामने बोर्ड में आप लोगों को दिखेगा सादुल्ला नगर 17 किलोमीटर है, यहाँ पर लिखा हुआ है मछली गांव। तो दोस्त लोग देखेंगे तो ये पूरा मछली मार्केट है। तो और भाई लोग क्या चल रहा है? खैर जो चल रहा है वो तो चलते रहेगा, बढ़ते हैं आगे। सो दोस्तों आज हम लोग जाने वाले हैं, मतलब यहाँ पर मछली बाजार एक करके मार्केट है, वहाँ पर हम लोग जाएंगे, वहाँ की पूरी विजिट करेंगे। क्या मार्केट है भाई, मछली मार्केट उसका नाम क्यों पड़ा, क्या वहाँ पर मछली मिलती है या फिर क्या कुछ है, तो सब कुछ हम लोग वहाँ पर विजिट करेंगे, उसके बाद में आप लोगों को दिखाएंगे। तो मैं उम्मीद करूँगा आप लोगों को काफ़ी पसंद आने वाली ये वीडियो, क्योंकि भाई मछली बाजार का आप लोग कमेंट भी कर रहे थे, जिसको मतलब मछली बाजार भी बोलते हैं, मछली गाँव भी बोलते हैं, क्यों बोलते वो हम लोग को नहीं मालूम। हम लोग वहाँ जाएंगे, विजिट करेंगे, उसके बाद में मालूम पड़ेगा, आप लोगों को बताएंगे। हमारे साथ में गुलाम मुस्तफा भाई हैं, क्या बोलेंगे आप लोग सुनो। चलो दोस्तों देखते हैं कि मछली मार्केट या बाजार कैसा है, जो इसका नाम क्यों पड़ा है। तो चलो देखकर ही बताते हैं क्या है क्या नहीं, वहाँ थोड़ा समझेंगे उसके बाद विस्तार से बताएंगे। चलो वीडियो के साथ कंटिन्यू जरूर बने रहे। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, क्या कुछ होने वाला है रास्ते में सब कुछ आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, सामने बोर्ड में आप लोगों को दिखेगा सादुल्ला नगर 17 किलोमीटर है। और भाई हम लोग जो विज़िट किए हैं ना, पूरा यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊंगा मैं, मछली बाजार हम लोग जाने वाले हैं। तो ये सादुल्ला नगर वाला रास्ता है और मनकापुर टू सादुल्ला नगर रास्ता ये है शायद, मुझे उतना कंफर्म नहीं है, लेकिन अभी हम लोग जिस रास्ते से आए वो मनकापुर को जाता है रास्ता। और ये वाला जो रास्ता है भाई, ये सादुल्ला नगर तक जाता है, पिवरा माहिम तक जाता है, गौरा चौकी तक जाता है। आप लोगों को जहाँ जाना है भाई ये रास्ते से, एकदम सीधा रास्ता है भाई, कहीं भी आप लोगों को नहीं मुड़ना है, कुछ भी नहीं, रास्ता जबरदस्त है। तो आप लोगों को सिनेमैटिक सीन में आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग सामने देख सकते हैं, फाइनली हम लोग पहुँचने वाले हैं भाई। ये पूरा अभी मछली बाजार जो है, यानी कि ये जब मछली गांव है भाई, मछली बाजार की जो एंट्री है भाई, वहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं और यहाँ से हम लोग इंटर कर चुके हैं मछली बाजार में। और उसके बाद में आगे का क्या सीन होने वाला है सब कुछ मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, जो कि मैं भाई सामने पहुँचने वाला हूँ। और भाई आप लोग अभी सोच रहे होंगे भाई कि मैं वीडियो की क्वालिटी क्यों चेंज कर दिया, पहले मैं ज़्यादा बाइक पर बनाता था। तो भाई बाइक पे मैं अभी भी बनाता हूँ, लेकिन भाई पहले कैसा है, चैनल मेरा नया था, मुझे उतनी टेक्निक नहीं मालूम थी और किस तरीके से वीडियो बनाना है वो सब नहीं मालूम था। तो काम करते करते धीरे धीरे नॉलेज आ जाता है भाई, तो उस हिसाब से हम लोग वीडियो बनाते हैं। और मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि भाई आप लोगों को एकदम अच्छी क्वालिटी की वीडियो मिले और ज़बरदस्त वीडियो मिले। तो यहाँ पर भाई आप लोग देखेंगे तो फाइनली मैं पहुँचने वाला हूँ, तो पहुँच के कंटिन्यू करता हूँ वीडियो को। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सामने के साइड में आप लोगों को एक बोर्ड दिखेगा, जो शायद आप लोगों को दिख रहा हो, यहाँ पर लिखा हुआ है मछली गांव। तो दोस्तों ये अभी हम लोग एंटर कर चुके हैं मछली गांव में, और यहाँ से मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप लोग कहाँ कहाँ जा सकते हैं भाई। हो सकता है थोड़ी हवा की आवाज़ आ रही हो, क्योंकि भाई हवा यहाँ पे तेज़ चल रही है, तो यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेकर है भाई। और उसके बाद में यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि यहाँ से आप लोग कहाँ कहाँ जा सकते हैं। ये है पूरा मछली गाँव का मछली बाजार का, सब लोग यहाँ पर मछली ही बोलते हैं, लेकिन भाई रियल नाम इसका मछली गाँव है। और यहाँ पे मछली गांव इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पे पहले भाई मछली मार्केट थी, मछली उछली ज़्यादा बिकती थी, इसलिए यहाँ का नाम है मछली मार्केट हो गया। और उसके बाद में यहाँ के गांव वाले मछली ज़्यादा पकड़ते थे और बेचते थे,
तो इसकी वजह से गांव का नाम भी मछली गांव हो गया। और यहां पर अभी तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि मतलब चारों तरफ मछली मछली हो। उसके बाद में यहां पर आप लोग देखेंगे बभनान 33 किलोमीटर, मनकवा 7 किलोमीटर। तो मनकवा जाने के लिए भाई यहां पे इस तरीके का रास्ता है जो कि भाई ख़राब है, और बभनान के लिए यही सीधा रास्ता है। उसके बाद में इधर पर आप लोग देखेंगे तो ये पूरा मछली मार्केट है, और मछली मार्केट में भाई मछली तो नहीं है, बाकी सब सामान यहाँ पे मिल जाएगा। और ये जो पीछे दिख रहा है आप लोगों को, ये मछली गांव है, और यहाँ से क्लियर नहीं दिखा, मैं आप लोगों को क्लियर दिखाने की कोशिश करूँगा सामने से। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ से आप लोगों को जो पीछे गांव दिख रहा है भाई, वही गाँव है, मछली मार्केट मछली गाँव है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। बाकी इधर पर भाजी जी की दुकान है। उसके बाद में यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो सेम उसी तरीके से है, यहाँ पर एक जय बाबा करोथ नाथ मंदिर है, अंदर है ये गेट, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद में इधर पे कुछ इस तरीके की मछली मार्केट है पूरी, यार मतलब ज़बरदस्त है यार। जैसे हम लोगों ने सोचा था कि यहाँ पे सिर्फ मछली ही मछली होंगी, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, नाम होने से कुछ नहीं होता है। मछली गाँव नाम है, मछली बाज़ार नाम है, तो नाम कैसे पड़ा भाई? पुराने लोगों ने मतलब बोले कि यहाँ पर मछली उछली बिकती थी और गाँव के लोग मछली उछली पकड़ते थे, इस वजह से यहाँ का नाम मछली गाँव और मछली मार्केट हो गया। तो कोई इसे दिक्कत वाली तो बात नहीं है, अच्छा नाम है, मार्केट भी अच्छी है भाई, चारों तरफ कुछ ना कुछ खाने पीने वाला सामान मिल ही रहा है, ये पूरा मार्केट ही था। उसके बाद में अभी हम लोग मार्केट से बाहर आ चुके हैं, तो यहाँ से आप लोगों को दिखाते हैं सीन। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा पूरा मछली गाँव का सीन, मछली बाज़ार का सीन देखा, उसका क्या रहस्य है सब कुछ हम लोगों ने बताया, क्या नाम पड़ा, क्यों पड़ा, मछली मछली की वजह से नाम पड़ा, तो सब कुछ आप लोगों को पता चल गया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। गुलाम मुस्तफा भाई कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में, आप लोग सुन लो। जैसे कि दोस्तों हम लोगों ने तो बताया, थोड़ा समय कम है इसीलिए पूरा जानकारी नहीं दे पा रहे, फिर अगली बार अगले वीडियो में आएंगे कभी तो फुल विजिट कराएंगे बढ़िया से, थोड़ा जल्दी में है तो इसीलिए अब अगले वीडियो में थोड़ा बता देंगे। तो आप वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें। देख लिए दोस्तों पीछे तालाब बहुत बड़ा है इधर। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि भाई टाइम हम लोग के पास क्यों नहीं है, क्योंकि भाई ये टाइम पे धान वान जो चावल आप लोग खाते हैं ना भाई, हम लोग भी खाते हैं, तो उसकी काटने का टाइम चल रहा है। तो भाई अभी खेत में ट्रैक्टर खड़ा हुआ है और हम लोग यहाँ हैं वीडियो बना रहे हैं, तो भाई जल्द से जल्द जाना पड़ेगा, पहुँचना पड़ेगा, नहीं तो घर वाले गुस्सा हो जाएंगे। तो फिर भी जो कुछ हो सका हम लोगों ने आप लोगों को बताया रहस्य क्या है। तो मैं उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है लाइक करें, नहीं पसंद है डिसलाइक करें, ऐसा तो नहीं जानूंगा। मन में कोई सवाल हो तो कमेंट करके जो बताना, और हाँ मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।